मम्मा, ये आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ अचार का जो मसाला उसका प्रीमिक्स तैयार करके रख रही हूँ। हम जब अचार डालते हैं तो हमें उसी वक्त स्पेशल मसाले तैयार करने पड़ते हैं, तो ये मैं पहले ही, आज सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो गाजर का, गोभी का, शलगम का या हरी मिर्च अदरक का अचार डालना होता है, तो मैं मसाला तैयार कर दूंगी तो ये सारे अचारों में तैयार हो जाएगा, डल जाएगा मसाला। तो इसको हम किसी भी डाल सकते हैं, गाजर में, गोभी में, शलगम में डाल देंगे तो फटाफट अचार बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आधा कप सौंफ लिए हैं, 1/4 कप मैंने राई ली है, ये कौन सी है, मतलब राई? बारीक राई है, ठीक है, सरसों? हाँ सरसों राई बोलते हैं इसको, ठीक है, सरसों मोटी होती है। और ये लाल मिर्च है 2 बड़े चम्मच, ठीक है, और 1 बड़ा चम्मच हल्दी है, ठीक है, और थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी। तो ठीक है, नमक है, जब हम अचार बनाएंगे तभी डालेंगे नमक, ठीक है, नमक हम अभी नहीं डाल के रखेंगे क्योंकि ठीक है, अचार की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसको कोई ड्राई रोस्ट नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट इनको पीस रही हूँ। अच्छा, मतलब सब आप ये मिक्सी में डाल दोगे? हाँ, ये मैं मिक्सी में डाल दूंगी तो इसको हम पीस लेंगे। तो सौंफ को चर्न कर लिया है, अब मैं इसमें लाल मिर्च मिला दूंगी, हल्दी, और आधा चम्मच में मिलाऊंगी इसमें हींग। हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं चाहे ना मिलाएं, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है अचार में। मतलब ये प्रीमिक्स मसाला किसी में भी डाला जा सकता है? किसी भी अचार में, मिर्च के अचार में, गोभी के, शलगम के, मूली के, गाजर के। तो ये देखिए मसाला हमारा प्रीमिक्स तैयार हो गया है, तो अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। तो मसाला तैयार है, आप किसी भी सूखे कंटेनर में, अरे टाइट कंटेनर में डाल के रख लें, और जब भी अचार बनाएं तो उसमें से मिला के निकाल के और मिला दें। तो मैंने ये पहिया, 1 पाव गाजर थी मेरी, तो सुबह मैंने इनको धो के सुखा लिया था, बिल्कुल सूखी हैं। तो अब मैं इसमें ये अचार का मसाला डाल दूंगी और नमक डाल के हम अचार तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको ये अचार डाल के दिखाती हूँ। ये पहिया गाजर है तो मैं इसमें 2 चम्मच डाल दूंगी। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, नमक चख भी सकते हैं, कम ज्यादा हो तो और ज्यादा जा सकता है। अब इसमें 1 चम्मच मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। ये तेल आपने किस लिए डाला है? इसको लिक्विड थोड़ा सा कर देगा और पानी नहीं छोड़ेगा अचार हमारा, और अचार थोड़ा सा अच्छा आता है, ग्लेस भी आ जाती है इसपे। अच्छा, मतलब सब मसाले हाँ, इसके साथ मिल जाएंगे अच्छे, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं लगेगा? मॉइस्चर नहीं लगेगा, अचार के मसाले मिल जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी अचार डल गया है, अदरवाइज हम अचार डालते तो हमें सारे मसाले तैयार करने पड़ते हैं। तो झटपट बनाएं और झटपट डालें और अचार खाना शुरू करें। तो ये देखिए, ये मसाला बन के तैयार है और इसी मसाले से हमने ये अचार बनाया है। तो आप ये मसाला घर पे बना के रख सकते हैं, और प्रीमिक्स मसाला ख़राब नहीं होता, बस आप इसे सूखे जार में बना के रखिए। और कोई भी अचार जब भी आप बनाना चाहें तो आप ये मसाला डाल सकते हैं। और नमक आपने एडिशनल अलग से नमक डालना है, क्योंकि इस मसाले में हमने नमक नहीं डाला। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अचार बनाइए और उसे ट्राई कीजिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।